नमस्कार साथियों, कल दोपहर में मैं एक मीटिंग में था, अचानक ही किसी महिला का फ़ोन आया मेरे पास और उन्होंने मेरे से बात करने का एक अनुमति लिया कि क्या आपके पास समय है, 5 मिनट मैं आपसे बात कर सकती हूँ। मैंने बोला बिल्कुल बिल्कुल, आप बात कीजिए। और बात स्टार्ट किया उन्होंने और रोने लगी। रोना सिर्फ उनका इस बात पे था कि सुशांत को कब न्याय मिलेगा। सुशांत को गए हुए लगभग 9 महीने होने वाले हैं। वो बोलने लगे कि मैं रात भर सोती नहीं हूँ, कुछ खाती नहीं हूँ, सुशांत के बारे में सोचते रहती हूँ, जवान लड़का था चला गया, बहुत सारी बातें करने लगी। मैं मीटिंग में था, मैं बात करने की स्थिति में भी नहीं था क्योंकि काफ़ी लोग बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी मैं उनका फ़ोन अपने कान पे लगाए रहा, उनकी बात सुनता रहा। और मैंने उनको यही एक लाइन समझाया कि आप या कोई भी रोने से, परेशान होने से, खाना नहीं खाने से इंसाफ नहीं मिलता है। ना तो आपको रोना है, ना आपको परेशान होना है, ना आपको कभी भी ये सोचना है कि इंसाफ नहीं मिलेगा। नेगेटिव बातें भी मन में नहीं लानी है आपको, बहुत हिम्मत के साथ रहना है। बहुत लोग बहुत तरीके की बातें करते हैं, बहुत परेशानी वाली बातें करते हैं। मैं हमेशा समझाता हूँ, आप अपनी लाइफ में जो काम कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम्स बहुत सारे, 10th 12th और भी सारे चल रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस पे ध्यान दीजिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पे ध्यान दीजिए। लेकिन हाँ, समय निकाल करके अगर आप ऑनलाइन समय दे रहे हैं तो सारे काम अपने करते हुए जब जब मौका मिले, पूरे 24 घंटे में 2 घंटा, 1 घंटा, हर आधे आधे घंटे के गैप में 10-10 मिनट, जैसे आपको मौका मिले, आप ऑनलाइन सपोर्ट करते रहिए। अगर आप सपोज की ग्राउंड पे आते हैं, छुट्टी का दिन हो आपका, आपके पास समय हो, सैटरडे संडे हो, और कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है आपके शहर में, तो आप ग्राउंड को ज्वाइन कीजिए और ऑनलाइन जितना आप कर सकते हैं उसको भी ज्वाइन करिए। रोने से कुछ नहीं होगा, न्याय नहीं मिलेगा रोने से, हिम्मत दिखाना पड़ेगा। आप अगर मजबूत बने रहेंगे, आप अगर लगेगा कि आप, आपके अंदर वो शक्ति है, वो पावर है, सब एक हैं, तो हम न्याय के लिए लड़ सकते हैं। और केवल किसी को मायूसी में जाने से, अपने आप को दुखी बना के रखने से कभी नहीं मिलेगा कुछ। हिम्मत से रहिए, मजबूत होकर के रहिए, और आपस में एकता जरूरी है, उसको बना करके रखिए। जय हिंद।